हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं नासिम खान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 में। तो जैसा कि आप जानते हैं, 31 तारीख सातवां महीना 2022 को उत्तर प्रदेश में लेखपाल की परीक्षा आयोजित हुई थी। जिन्होंने इस पेपर को दिया था उनके लिए बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि उस पेपर की आंसर की आउट हो चुकी है। ये आंसर की आप सरकारी रिजल्ट पे भी देख सकते हैं जाके, और इसके अलावा UP SSC की जो मेन वेबसाइट है उस पर भी आप अवेलेबल है, वहां पर भी आप इसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो जाए अपने नंबर चेक करें, कितने मार्क्स हैं उनके, कितने क्वेश्चन उनके सही हुए, और निगेटिव मार्किंग है इसमें 1/4, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, तो उसमें कट पिट के उनके कितने नंबर बने ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये देख भी पा रहे होंगे, यूपी लेखपाल परीक्षा 2022, ये 2022 की परीक्षा है, अभी हुई थी लास्ट डे। ठीक है, आंसर की इसकी आउट हो चुकी है। मैंने आपको जैसा भी बताया कि ये आपको सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसके बाद ठीक है UP SSC पर भी आप जाके देख सकते हैं इसको। लेकिन इसमें एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि विजिबल अप टू 7/8/2022, कि केवल 7 तारीख 8वां महीना 2022, 8वां महीना जो अब चल रहा है करंट में, आज 1 तारीख है 8वें महीने की। ठीक है, इसको आप 7 तारीख तक ही देख सकते हैं, 7 तारीख के बाद में इसको सरकारी रिजल्ट और UP SSC की साइट से डिलीट कर दिया जाएगा। जिन बच्चों ने पेपर दिया है यूपी लेखपाल का, वो 7 तारीख से पहले ही अपना चेक कर लें पेपर, अपने एनालाइज कर लें कि आपने कितने क्वेश्चन किए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, और नेगेटिव मार्किंग कटने के बाद टोटल मार्क्स आपके कितने बने, और जो राइट मार्क्स आपके बने वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारे कितने नंबर बने हैं। चलिए, तो उसके आधार पे एक दोबारा वीडियो बनाएंगे कि मेरिट का एक अनुभव फिर हमारा क्या कहता है कि कितने जा सकती है। हालांकि जैसा पेपर आउट हुआ है, जैसा पेपर था उस हिसाब से एक वीडियो हम बना चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं और लेकर आया हूं, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, और वो क्वेश्चन ये है कि इसका जो सोर्स होता है वो अब UPSC PAT के थ्रू होता है, कि UPSC एक पैट का एग्जाम कराती है जिसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो एक साल के लिए वैलिड होता है, और उस एक साल में जो भी वैकेंसी आती है उसके लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो लेखपाल की जो भर्ती आई थी UP SSC PAT के जिन बच्चों ने पेपर दिया था उनके लिए थी ये, और उसका आज आंसर क्या आउट हो गई है पेपर के बाद। ठीक है, तो अब UP SSC PAT का जो चल रहा था रजिस्ट्रेशन, वो 2022 के लिए 28/6/22 के ओपन हुआ था इसमें, कि 28/6/2022 को ऑनलाइन हुआ था, और इसकी जो लास्ट डेट थी 31/7, मतलब जो कल थी, जो बीत चुका वो लास्ट डेट इसकी हो चुकी है। अब इसमें फॉर्म नहीं भरे जा सकते, जो भर चुके हैं वो भर चुके हैं। ठीक है, इसमें एज मांगी गई थी 18 से 40 वर्ष, विभिन्न विभिन्न भर्तियों के लिए अलग अलग इसमें एज थी कि क्या किस पोस्ट के लिए क्या एज मांगी जाएगी, लेकिन कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष इसमें मांगी गई थी। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, इसके अलावा आपकी कितनी उम्र है कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी आपने कितनी पढ़ाई की है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम आपने 10वीं पास की हो, जरूर की हो। ठीक, तो इसके बारे में हमने जाना। यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 की मैं एक बार फिर बता देता हूं कि जो पेपर आपका कल हुआ था 31 तारीख में, उसकी आंसर की आउट हो चुकी है, जल्दी जाएं सरकारी रिजल्ट पे चेक करें, और अगर वहां ओपन नहीं होती है तो UP SSC की मेन वेबसाइट है वहां पे जाएं, वहां पे इसको चेक करें। ठीक है, चलिए, ये आप जानकारी लिए उन बच्चों के लिए थी जिन्होंने कल यूपी लेखपाल का पेपर दिया है। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो को समाप्त करते हैं, और अग्रिम बधाई देना चाहता हूं मैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने पेपर दिया है, कि मैं कहता हूं कि सभी के नंबर आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।